अपर उपायुक्त त्राल के समग्र पर्यवेक्षण में राजस्व पुलिस विभाग एवं एमसी त्राल की संयुक्त टीमों द्वारा ग्राम ददसरा में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। विध्वंस अभियान के दौरान दो अन्न भंडार, कंक्रीट की दीवारें, एंगल आयरन के साथ टीन की दीवारें, ग्रिल, बनगेट, गेट पिलर, दो बाथरूम को मौके पर ही गिरा दिया गया। तीनों दुकानों को भी सीज किया गया है। राजस्व कार्यालय की पूरी भूमि को पुनः प्राप्त कर लिया गया है और बटीपुरम मोहल्ला के लिए प्रवेश का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। अतिक्रमणकारियों के लिए तोड़फोड़ अभियान एक कड़ा संदेश है। सर्वेक्षण संख्या 1738 के अनुसार राज्य की भूमि के रूप में दर्ज पटवार कार्यालय के कब्जे वाले अतिक्रमण को निर्माण के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था। सर्वे नंबर 1565 1739 समीलात नंबरों का भी अतिक्रमण किया गया। जमीन के एक बड़े हिस्से पर दशकों से अतिक्रमण किया जा रहा था और अतिक्रमणकारियों को व्यक्तिगत तौर पर इसका फायदा मिल रहा था। नयाबत कार्यालय के निर्माण व बटीपुरा वासियों को प्रवेश द्वार उपलब्ध कराने में बाधा डाली। ये मुद्दा 2018 से प्रक्रिया में है और अतिक्रमणकारियों ने इस मुद्दे को हल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। उन्हें नायब तहसीलदार कार्यालय एवं एडीसी कार्यालय में परामर्श दिया गया। उन्हें नोटिस भी जारी किया गया लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। इससे पहले सर्वेक्षण संख्या 1738 के तहत भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा अतिरिक्त उपायुक्त त्राल द्वारा पुनः प्राप्त किया गया था और नायबत कार्यालय का निर्माण सुनिश्चित किया गया था, जिसमें परिसर और निर्माण प्रक्रिया की कमी थी। उसको लास्ट टाइम उसका जो कि इनक्रोच से हमसे इविक्ट करके वहाँ पे हमने नायाबत का स्ट्रक्चर बना दिया, क्योंकि हमें डॉटसर में नायाबत नहीं थी एंड वो हमें प्राइवेट एक बिल्डिंग में हमने रेंट पे रखी थी एंड अपनी फंड सारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको बनाना चाह बना रहे हैं। तो साथ ही उसमें क्या लगा कि उसमें एडजस्टमेंट और कुछ नहीं, तो हमने उनके कहीं नोटिस निकाले, उनको मैंने यहाँ पे ऑफिस में लाया, इवन ये नीचे नया बता तहसील ऑफिस में भी उनको बुला दिया एंड समहाउ दे गॉट एग्रीड कि हाँ हम दे देंगे, बट कुछ ऐसे कंडीशन रखते थे जो हमें काबिल कबूल नहीं था। देन वी डिड अ ड्राइव यस्टरडे एंड हमने क्या किया, हमने जितनी भी हमें लगा कि जहाँ जहाँ इमीडिएट एनक्रोचमेंट है हमने रिमूव कर दी। उसमें कुछ कुठार आया, कहीं का दीवार आया, किसी का टीन लगा हुआ था एंड वो सारा हमने उनको डिमोलिश कर दिया एंड ये सारी की सारी ज़मीन हमारी नायाबत के साथ एडजस्टमेंट रहेगी, ताकि इस नायाबत के साथ हमें स्ट्रक्चर ही नहीं चाहिए, हमें बाहर थोड़ा एरिया भी चाहिए जहाँ पे लोग आएंगे, कल उनको बैठने की जगह भी होगी, गाड़ियाँ होंगी, उनको पार्किंग भी होगी, मेन रोड पे गाड़ियाँ नहीं रख सकते। इसके लिए वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन को किसी को खानी नहीं देंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज मैंने कल कर दी है, बड़ी जेन्युइन एक्सरसाइज थी एंड इसमें साथ ही साथ कुछ दो तीन दुकान भी किसी ने बनाए दी थी, उनको मेरे सील भी कर दिया, ताकि उनको भी हम गवर्नमेंट के लिहाज से जो जहाँ हमें लगेगा कि कहाँ पे बेटर उनको यूज़ करें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द डिमोलिशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर एंड वी होप सो इन द कमिंग टाइम दैट स्ट्रक्चर विल बी आल्सो यूज्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड मीनवाइल जो भी हमारा एरिया वहाँ पे है इसको हम मुंसलिक करके अपनी नायाबत के साथ, ताकि नायाबत को अच्छा खासा लैंड मिलेगा। R9 भारत के लिए मलिक निशा की रिपोर्ट त्राल से।